दोस्तों, ये सुबह का गांव का नज़ारा, धूप काफ़ी तेज हो रही है और ये शानदार नज़ारा पहाड़ों का। सुबह के बजे हैं 10 और मैं जाऊंगा अभी अपने कुंवारे वाले घर में। और इधर मैंने कलर वगैरह कर दिया है घर में, अभी थोड़ा पेंट वगैरह करने के लिए हैं दरवाजों पे। और आप देख सकते हैं अभी कितना सुंदर लग रहा है मकान कलर करने के बाद। और अभी आया था मैं यहाँ दुकान पे, हमारे गांव के साइड थोड़ा एक दुकान है, एक गांव में है और एक रोड पे दो दुकान है नीचे, एक उस साइड एक इस साइड, और एक गांव के पास ही है। तो इधर से थोड़ा पटाखे वगैरह ले और कुछ सामान वगैरह लिया था घर के लिए, तो अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर पुराने वाले घर में। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम पहाड़ी फ्रॉम उत्तराखंड, एक और ब्लॉग में दोस्तों यार आपका स्वागत है। मैं हूं दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र ग्राम सभा दुनियार से। दोस्तों यार मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज विक्टर पहाड़ी ब्लॉग नाम से है, तो वहां भी जरूर फॉलो कर देना। और रिक्वेस्ट है मुझे अपने सभी उन व्यूअर्स के लिए जो मुझे फेसबुक पर देखते हैं मेरी वीडियोस, प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे पता है आपको टाइम नहीं होता है ज़्यादातर वीडियो देखने का, हर लोग अपनी लाइफ में बिजी होते, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इससे क्या होता है कि वीडियो जो यूट्यूब होता है वीडियो को रीच में डालता है, ज़्यादा आगे तक पहुंचाता है, तो जितना हो सके यार सब्सक्राइब तो कर देना अगर टाइम नहीं है देखने का। दोस्तों यार हर दिवाली के लिए ना हम गाँव पहुँच ही जाते थे, पर इस बार ना लेट हो गए क्योंकि बीच में बरसात रही, तो फसलें वगैरह जो खेत है हमारे इधर ही हैं, तो अभी हमने दाल वगैरह थी ना वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया, जो कूटना वगैरह होता ना दाल का, तो अभी इसीलिए लेट हो गया। शायद अभी 10-15 दिन और लग सकते हैं, उसके बाद हम गांव के घर पे आ जाएंगे। और मैं पिछले 3 दिन से घर में पेंट कर रहा था, कल तो मैंने 1 बजे किया, 1 बजे के बाद था मैच और आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, और भाई कैसा दिल थमा देने वाला मैच, ओ भाई। उसके बाद में मैच देखने बैठ गया, मैच इतना ख़तरनाक भाई, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा रिएक्शन, लाजवाब यार। अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं घर पे, और इधर ही रहती है हमारी सारी फैमिली, और ये हमारा घर आपको पता ही है। और ये कल भाया आया था तो मिठाई वगैरह लेके आया है, तो मिठाई वगैरह खाता हूँ मैं। और यहीं अभी दाल के पकौड़े वगैरह बनाए जाएंगे, सोले बनाए जाएंगे। मैं बच्चों के लिए बंदूक लेकर आया था अपने भाई की लड़की के लिए, वो बहुत डरती है पटाखों से। अरे बंदूक थोड़ा अलग किस्म की है, इस तरह निकालो ये टूट ही गया, और इसके अंदर एक होता ना ये छर्रा टाइप का, इसको फिक्स करो और इसको ओके कर दो, और उसके बाद स्टार्ट। हैप्पी दीपावली। अच्छा है ये यहाँ पहाड़ों के लिए, जिधर हम रहते हैं इधर लाइट वगैरह है नहीं, रात में अगर कोई जानवर वगैरह आते हैं तो ऐसा, ओ बहुत तगड़ा साउंड मार रहा है। अभी करते हैं लंच और अपने घर के चावल बना रखे हैं, साथ में रायता और दाल और ये सब्जी, इसको हम पहाड़ी भाषा में वैसे कंकोड़ा बोलते हैं, वैसे हिंदी का नाम मेरे को पता नहीं है। और अभी खाना पीना खा के मस्त हो रहा बैठे हैं यहाँ धूप में, और इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, मेरे साथ है दानी। दानी हाय कर, हाय कर, हाय हाय। और दोस्तों यार शाम के बजे हैं 4 और मैं अभी सो के उठा हूँ, और आंखें देख सकते हैं आप थोड़ा सोजी हुई है, और थोड़ा मैं जो आकाश होती है थोड़ा यहाँ पे फायर करता हूँ, उधर सामने चाहते हो घर में उधर की तरफ करूँगा, और उधर बने अभी बनाए जा रहे हैं पकौड़े वगैरह, वो भी दिखाता हूँ मैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ उधर पकौड़े वगैरह कैसे बनते हैं, पहाड़ी जो अपने पकौड़े होते हैं ना काली दाल के कैसे बनाए जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों काली दाल के पकौड़े आप देख सकते हैं, और यहाँ पे तेल वगैरह रखा हुआ है, कुछ घंटे भिगाने के लिए रखते हैं, उसके बाद इसे छिलके वगैरह अच्छे से छान के, और इसमें जो मिक्स किया जाता है नमक और मिर्ची मसाला और हल्दी वगैरह, और उसके बाद बनाए जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह ये शेप दी जाती है। रखा है गूंद के
इसके बनाएंगे स्टफ परांठा। है तो अपना जो पहाड़ी दाल होता है इसको भी बॉयल करके अच्छे से और पीस के अपने सिलोटा में और इस तरह मिक्स करके इसमें मसाला वगैरह ऐड करते हैं। पहाड़ी परांठा मैं कह रहा था स्टफ करके, उसको हम पहाड़ी भाषा में सोंगा बोलते हैं। उसमें जो पेस्ट बना रखा उसका गायत दाल का, उसको स्टफ करके और उसको तेल में फ्राई करते हैं। ये ना बहुत डरते है पटाखों को, देखो देखो मैंने यहाँ पे रखे हुए ये, अभी देख डरती डरेगी, देखो मैं उसको उठाऊंगा ना। देखो 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 एक, इसको डर नहीं लगता भाई, इसको हाथ में कुछ भी दो ये खेलता रहेगा। हमने चाचू और घर वो अंदर बैठे हुए हैं, चाय वगैरह बना रहे हैं और उधर की तरफ मैंने मिसाइल फिट कर दी, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ऊपर ही ऊपर जाएगा। किधर गई भाई? और ये ऊपर के लिए गई। मैं प्लान किया था वो टोटली फेल्ड हो चुका है, क्योंकि एक मिसाल तो फायर ही नहीं हुई, उसकी बत्ती वैसे बर्बाद हो गई। दूसरी फायर भी ऊपर के लिए हुई, बल्कि मैंने बहुत नीचे के लिए किया था पर ऊपर के लिए हुई, बट इस ओके आपने देख ही लिया होगा। अभी आ चुका हूँ मैं चाचा और के घर पे, यहाँ पे वो भी वही तैयारी कर रहे हैं, पकौड़े वगैरह बना रहे हैं। और भाई सभी को हैप्पी दिवाली। ए चाची हैप्पी दिवाली। ए चाची भी इंग्लिश बोल रही, सेम टू यू। पहाड़ों में ना काली दाल के पकोड़े अलग ही मजा है, और चाय के साथ खाओ तो डबल मजा, काफी स्वादिष्ट होते हैं। साथ में तिल भी है तो काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये बनाए जा रहे हैं सौंधे, और दोस्तों ये है सौंधे, इसके अंदर जो स्टफ किया है गहत है, जो गहत दाल होती है आप देख सकते हैं स्टफिंग, और इनको इसको ना इस तरह और चाय के साथ पकौड़ी नहीं खाओ, वो पकौड़ी हाँ हाँ एकदम मस्त ये पकौड़ा। हाय हम जा रहे हैं, तूने यार तो आज इधर ही रहना, तो इधर ही मना दे आज, बाय 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 बाय। अभी जा रहे हैं भाई मैं गांव वाले घर पे, आज की दिवाली वहीं मनाई जाएगी, आज बड़ी दिवाली है, और तो हम जा रहे हैं नीचे, पापा वहीं हैं और बाकी भाभी और मां जी यहीं रहेगी।